अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से एक रोजा उमरा तरबियती और तहनीती प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें 23 नवंबर और 10 दिसंबर को उमरा के लिए रवाना होने वाले हजरात की तरबियत की गई है, जिसमें उमरा जाने से लेकर वापस आने तक के तमाम तौर तरीके बताए गए हैं। इसके अलावा जो सितंबर और अक्टूबर महीने में अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए उमरा की शहादत हासिल कर चुके हैं, इन हजरात के लिए तहनीती प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया गया था। उमरा मुकम्मल कर चुके तमाम की शॉलपोशी कर मुबारकबाद दी गई है। अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलबर्गा शहर का एक कदीम ट्रैवल्स है, जो पिछले 25 साल से हज और उमरा के लिए खिदमत अंजाम देते आ रहा है। जनाब ताहिर अली खान साहब इस फील्ड में महारत रखते हैं और इनकी निगरानी में हजारों लोग बड़ी आसानी से हज और उमरा कर चुके हैं। सितंबर और अक्टूबर महीने में अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए उमरा कर चुके लोग अपने तासुरात पेश कर तमाम सर्विसेज की तारीफ की और खुशी का इजहार करते हुए आप सभी से गुजारिश कर कहा, अगर कोई उमरा के लिए जाना चाहते हैं तो जरूर अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स से राब्ता करें। अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर ने प्रोग्राम की डिटेल बताते हुए कहा, नेक्स्ट ग्रुप न्यू ईयर जनवरी और फरवरी मंथ के लिए उमरा की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। ख्वाहिशमंद हजरात अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स से राब्ता कर सकते हैं। इनके ऑफिस मिसगोरी गंज रोड करीम होटल के अपोजिट अल करीम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे आका का तरीका ये रहा है, जब भी सफर दरपेश होगा दो रकात सलात सफर कर लेंगे, पूरी दिखेगी ये पेशानी है। ऐसा आदि नहीं, इस हालत में अगर 12 घंटे दिन के या रात के गुजर गए तो दम वाजिब, 12 घंटे नहीं 3 घंटे गुजरे 40 घंटे गुजरे तब भी जुर्माने में सदका है। ये सलाम भेजने के बाद आपको यह ठहरने देते थे, ज्यादा आगे बढ़ा देते थे, आगे बढ़ गए फिर आपको से बाहर निकाला है। बारे बाकी क्या है, ये है बारे बाकी दिख रहा है, ये बारे बाकी है, यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये गुंबद सिजरा के नीचे हुजूर आलम कर रहे, यहाँ से फिर हम बाहर निकलेंगे या आएंगे, जब हम मासूम बना लेंगे अल्लाह जितना मौका दिया हो उसकी किस्मत में जाएंगे। भैया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 21 अक्टूबर को जो ग्रुप गया था अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुका है, 3 दिन उम्रे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और ज्यारतें हो चुके हैं, जो ज्यारतें हैं मस्जिद नबवी में जा चुके हैं और रियाजुल जिन्ना हो चुके, मक्के मुकर्रमा में गारे सुर है, गारे हिरा है, उनके भी अल्हम्दुलिल्लाह ज्यारतें हो चुके हैं। और जहाँ हज का मुकाम जहाँ होता है, जहाँ हज के 40 दिन के जो अरकान होते हैं, उधर भी इन्होंने हमें ले जाया है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे ज्यारतें इन्होंने कराया है, इनकी खाने में कोई कमी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खाने के इतने डिशेस है कि चाहे घर पे भी अगर हम एक वक्त का 3 वक्त का मिला के खाएंगे भी तो उतने वक्त में इनके मुकम्मल नहीं हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। नॉन वेज वेज सब है, और जो धोने धुलाने का है अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़ों का ट्रॉयल वो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बसेस का जो भी ज्यारतों का पूरा काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का। और जिद्दा से लेके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद वापस लाने तक, और हैदराबाद से पूरा उमरा करा को लेके वापस आने तक पूरा इंतजाम इनका अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। मेरा नाम तमीम फरीद है। हम लोग 21 अक्टूबर के जो ग्रुप में थे उमरे के, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया गया था अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं ये सब गुलबर्गा के आवाम को ये सब बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरी ज़िंदगी का। ये सारी चीज़ें ये बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ ये लोग अपनापन जैसा कि एक फैमिली मेम्बर्स की तरह ये ट्रीट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि ले जाके छोड़े, किसी की ज़िम्मेदारी नहीं लिए, सब अपना अपना देख ले रहे हैं, ऐसा नहीं रहता। माशाल्लाह रात दिन 24 घंटे ये लोग सबके साथ जुड़े हुए रहते हैं, सबके साथ सबके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, कहीं भी जाना है कहीं भी आना है सबका प्रोग्राम शेड्यूल बनाते हैं, सब शेड्यूल के हिसाब से काम होता है। उनका टीम वर्क बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है, हर तरीके से ये लोग सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से ये लोग पूरे आजमाइन हज्जाज कराम को सपोर्ट करते हैं और पूरे इंतज़ाम के साथ लेके जाते हैं और ज़िम्मेदारी के साथ पूरा ये पूरा काम अंजाम देते हैं। मैं शुक्र अदा करता हूँ मुदस्सिर भाई का, ताहिर साहब का, जाकिर साहब का, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं ये सब चीज़ों से देखने की मुझे अल्लाह तौफीक दिया
इनके ज़रिए तौफीक दिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दूसरे एक्सपीरियंस कैसे हैं क्या नहीं मैं वो भी जानता हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा रहा है। अल्लाह इनको जज़ा खैर दे, और मैं सारे दोस्तों को भी यही गुजारिश करता हूँ, गुलबर्गा के आवाम को भी यही गुजारिश करता हूँ, अगर आपका प्रोग्राम कर रहा है तो एक मरतबा आप अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के तरफ सोच कर देखिए, इनके तरफ जुड़ कर देखिए, इंशाल्लाह आपका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। मेरा नाम मोहम्मद सैन अहमद जुनीदी है। मैं 21 नवंबर को अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स से उमरा के लिए गया था, और मैं हम लोग वहाँ पर जाकर देखे हैं कि उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, आप एक बार जाकर देखिए फिर आप बोलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल रशीद आपसे चंद बातें का अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमारे अल सईद टूर एंड ट्रैवल से जो मुझे हासिल हुआ है, और मुझे बड़ी खुशी है कि ताहिर भाई ने हमारे लिए जो कुर्बानियाँ दी है वहाँ, लोग तो जाने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन ताहिर भाई हमारे शाने बशाना रहे और हमें हर जगह हर मौके पे हमारी हिम्मत अफजाई की। उम्रे के लिए उन्होंने हमें बुलाया, अब बाकायदा ये आयतें पढ़नी है, हमारे साथ उम्रा किए, हम लोगों ने वो आयतें पढ़ी, बड़ी आसानियां पैदा किए। अब ये सफ़ा मरवा की सही है, सफ़ा मरवा पे कैसे करना है क्या करना है वो मदद की। उसके अलावा हमारी ज़्यारतें उन्होंने इतनी शानदार तरीके से की कि वाकई काबिल तारीफ़ थी। और दूसरी बात, अब हम जो खाने पीने का प्रोग्राम चला तो माशाल्लाह हमारे घर से अच्छा इंतज़ाम खाने पीने का हमारे ताहिर भाई ने किया। हमने तो यहाँ गुलबर्गे में कभी तीतर बटेर वगैरह नहीं खाए, लेकिन उन्होंने तो अपने प्रोग्राम में तीतर बटेर मछली सब रखा था। माशाल्लाह खाने में भी बहुत कुशादा खाना था, पेट भर के खाइए, अगर वक्त के बाद भी आते तो आपके लिए इंतज़ाम करवा देते थे। चाय और दूध वगैरह तो ऐसा था जैसे आप कभी भी 24 घंटे आप कभी भी जाएँ, चाय तैयार है, दूध तैयार है, आप जो चाहिए कॉफ़ी पी लें। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम था। मैं बहुत ही मशकूर हूँ सईद भाई का, ताहिर भाई का, अल सईद टूर एंड ट्रैवल का, कि उन्होंने मेरी इतनी खिदमत की है। अल्लाह इनको इसका अजर दे, इनका सवाब दे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हर बला मुसीबत और परेशानियों से अल्लाह इन सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज सभा फंक्शन हॉल में एक रोज़ा उमरा तरबियती कैम्प अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से रखा गया था, जो 23 तारीख को एक काफिला हैदराबाद से रवाना हो रहा है उम्रे की अदाई के लिए। तमाम आज़मी ने हज और 23 और 10 दिसंबर के जो हजरात उम्रे के लिए रवाना हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मालूमाती और कारगर तरबियती काम यहाँ पर रखा गया था, जिसमें मैंने शिरकत की और कई एक अहम मालूमात हमको मालूम हुई। और साथ ही साथ जनाब ताहिर अली ख़ान साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में एक एक जो मसाइल हमारे सामने आते हैं, किस तरीके से उम्रा अदा करना चाहिए, उसकी सुन्नतें फ़राइज़ और जो वाजिब है, उन सबको बहुत ही इत्मीनान के साथ और बिल्कुल जहन नशीन करवाने के लिए बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने यहाँ पर तरबियत दी है। मैं समझता हूँ कि तमाम जो यहाँ पर तरबियत में जो हजरात शिरकत किए हैं, उनको मैं समझता हूँ वो मुतमईन हुए होंगे, क्योंकि वो जो अच्छे अंदाज में उन्होंने उनको बयान किया है। मैं तमाम जो उमरा को अदाई के लिए जा रहे हैं हजरात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके उम्रे को कबूल व मकबूल फरमाए, और साथ ही साथ 25 साल अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल को मुकम्मल हुए हैं, इनको भी ताहिर अली ख़ान साहब को और ख़ासकर मौलाना आमिर अली ख़ान साहब, मोहतरम मुदस्सिर ख़ान साहब, मुदब्बिर ख़ान साहब और मुतहिर ख़ान साहब और उनकी टीम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि वह हर वक्त हरदम ना सिर्फ गुलबर्गा बल्कि मक्के में मदीने में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे सुबह आज 11 बजे से सभा गार्डन फंक्शन हॉल में बहुत बेहतरीन मुनज़्ज़म अंदाज में यहाँ पे तमाम ज़ायरीन के लिए जो भी मसाइल हैं
उम्रा के, हज और मक्का मौजमा के और मदीना मुनव्वरा के तमाम लोगों को समझाए हैं। इंशाल्लाह मैं अपने 3 साथियों के साथ जुमला 8 लोग जो है ना इस बार 23 नवंबर के सफ़र में इंशाल्लाह उम्रे की अदायगी का इरादा करके हम सफ़र करने वाले हैं। आज बड़ी खुशी हुई जिस तरीके से मौलाना ताहिर खान साहब ने तफसील से सुबह 11 बजे से तकरीबन शाम 4-5 बजे तक पूरे लोगों की जो तरबियत की है, मैं समझता हूँ हमारे उम्रा अदा करने में कोई कमी बेशी बाकी नहीं रहेंगी। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे उम्रे को कबूल फरमाए और अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले जिस तरह की खिदमत कर रहे हैं उन्हें भी आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हजरात यहाँ पर जो है सईद ट्रैवल्स की तरफ से जो है तरबियती कैंप लगा हुआ है और यहाँ तकरीबन लोग आए हुए हैं, कई हजरात आए हुए हैं और कुछ लोग जाने वाले हैं, कुछ लोग बयान भी सुन रहे हैं। और इनका जो तरीक़ा है ताहिर अली खान साहब का बड़ा प्यारा है यार, और इनकी जो सर्विस है बहुत ही मेहनती सर्विस है, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं और बहुत ही जो है मेहनत के साथ जो है अपने साथियों को जो है ना उनके साथ बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और उनको अच्छी सर्विस देते हैं। किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होती जाने में और आने में, घर से निकल कर वहाँ उम्रा तक, उम्रा से निकल कर फिर घर तक आने तक किसी किस्म की तकलीफ होती, सारे मुसाफिर साथी साथियों पूरे साथियों की जो है ना हिफाजत करते हुए लेके आते। बहुत प्यारी सर्विस है खान साहब की और जो है ना मेरी गुजारिश है कि जो है आप इस ट्रैवल से जो है आप सफ़र करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। आज एक रोज़ा उम्रा तरबियती कैंप रखा गया था अल सईद की जानिब से, जो बहुत अच्छे तरीके से जनाब ताहिर साहब एक्सप्लेन करे हमको तकरीबन मालूम हो गया। मैं इससे पहले भी ये ट्रैवल से हज किया हूँ 2022 में हज अकबरी, जब भी बहुत से सहूलियात मुझे मिले थे वो इनके ज़रिए जो है इनके तजुर्बा जो 25 साल है वो अपने तजुर्बे से जो है हमें अच्छे अच्छे मुकाम पर जहाँ पर जो जो दुआएँ करना है, जो जो मुकाम बताना है, ज़्यारतें कराना है, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह करते हैं। सहूलतें भी इस ट्रैवल से बहुत अच्छी है, लाज भी करीब रहता है, खाने का अच्छा इंतज़ाम है मक्का और मदीना में। तो जो है मैं इसलिए प्रेफरेंस दिया, उम्रे का इरादा किया था जो जा रहा हूँ इंशाल्लाह। आज बरोज़ हफ्ता 18 नवंबर 2023 सुबह 10 बजे से लेकर 4:30 बजे तक एक रोज़ा उम्रा तहनीयती व तरबियती कैंप मुनाकिद किया गया था सभा गार्डन फंक्शन हॉल में। इंशाल्लाह 23 नवंबर को अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से एक उम्रे का काफिला रवाना हो रहा है, इंशाल्लाह उसके बाद 10 दिसंबर को रवाना होगा। इन अहबाब के लिए उम्रा ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स गुज़िश्ता 25 सालों से उम्रे को जाने वाले अहबाब और हज को जाने वाले अहबाब के लिए अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है और एक तजुर्बेकार और एक माहिराना खिदमत रखने वाले अहबाब हैं। इसके प्रोपरेटर जनाब अलहाज ताहिर अली खान साहब हैं जो इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं। हज और उम्रा ज़िंदगी में एक मरतबा किया जाता है, इसके लिए मसाइल का जानना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिसको हम नावाकिफियत रहने की वजह से हम पर दम वाजिब होता है, इसके लिए ट्रेनिंग कैंप रखा जाता है। जितनी ट्रेनिंग ली जाए उतनी ट्रेनिंग कम है इसके लिए। तो इंशाल्लाह अगला जो हमारा ग्रुप रवाना होने वाला है वो जनवरी में रवाना होने वाला है, 28 जनवरी को। उसके बाद फरवरी की भी बुकिंग जारी है। इसके अलावा तहनीयती कैंप भी रखा गया था जो अहबाब सितंबर अक्टूबर में अल सईद से मुस्तफीद हुए हैं उनके लिए शाल पोशी रखी गई थी, वो अहबाब भी बड़े मुतासिर होकर अपने अच्छे फीडबैक्स दिए हैं। तो आप हजरात जो भी देख रहे हैं वो हमारे अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स जो फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर है, उससे भी वाकिफ़ हो सकते हैं। इसके अलावा आप अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस पर आकर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं।